फाइनली कॉलेज स्टार्ट होने के बाद नेहा से मिले पहली बार, और ये जो दुर्गा माँ का कहानी है वे भी बोलेंगे आप लोगों को, और मेरा ड्रीम कॉलेज क्यों इधर हम भर्ती नहीं हो पाए फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए। थे 1 बजे और अभी जस्ट 7:30 बज रहा है, हम घर लौटा, एक परफेक्ट डेट हुआ ऐसा लग रहा था मुझे। तो बहुत यू आर स्टडिंग फिल्म स्टडीज, तो आई जस्ट लिटरली लव इट। और इतना अच्छे से समझाया, इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, पहले दिन इतना अच्छा इंप्रेशन बनाया ना, वो मिले ना, मतलब सुकून मिला, जैसे कि स्कूल में हर दिन मिलते थे तब जब ऐसा फीलिंग था, इतना दिन बाद जब मिले तो फीलिंग जैसे कि दुगना तिगना हो गया ऐसा है। बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना दिल से होता है, ठीक है। हम अभी बच्चों को मुझे पढ़ाना भी है, बहुत ज्यादा काम है, सुबह भी हुआ था, अभी एग्जाम चल रहा है, इसलिए 2 टाइम करके मुझे पढ़ाना होगा। Hey guys, welcome back to my channel, Blog with Triple A. तो guys, आज सुबह सुबह उठ के मामून को पढ़ा लिए थे, और फिर मामून जस्ट गई और मायरा का एंट्री हो गया, और मायरा स्कूल जाने वाली थी तो इसीलिए मम्मी को फिर सब बोल रही थी कि जूता वूता खोल दो, तो उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लिए। आज था मेरा थोड़ा लेट से कॉलेज, मायरा के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद इधर थोड़ा बहुत खाना खा लिए थे, फिर गए थे हम कॉलेज, क्योंकि 1 बजे के बाद मेरा कॉलेज था। हम पूरा लंच करके फिर हम गए थे कॉलेज, तो इधर जा रहे थे तब क्लास में, तो फिर चले जल्दी से चलते हैं मेरे क्लास में। तो आज था फिल्म स्टडीज़ का क्लास, और पहली बार फिल्म स्टडी के रूम में क्लास होगा, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो ये थी हमारी फिल्म स्टडीज़ की एक मैम, जो हम लोगों को अच्छे से समझा रही थी कि व्हाट इज़ फिल्म स्टडी, क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जानेंगे। तो रूम जो था बहुत ज़्यादा सुंदर था, और सब फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे ज़रूर मुझे वीडियो सेंड करना। तो आप लोग समझ में आ ही रहा है, फिल्म स्टडी एक न्यू सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट है। तो बहुत सारा ऐसा लगा हुआ था कि मतलब फ़ोटोज़ वगैरह की फिल्म स्टडी रिलेटेड, और इधर देख पा रहे हो कितनी सारी कैमराएं मैम निकाली थी, जो फ़ोटो शूट करती है, फिर DSLR था, फिर उसका लेंस वगैरह, ओवरऑल जो भी सब था वो सब देख रहे थे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग ये सब देखने के लिए, और हम चुपके चुपके क्लिप भी ले रहे थे, तो ये सबसे अच्छी वाली बात थी। और जितने सारे कंप्यूटर्स थे यही सब था, ये सब हम लोग यूज़ करने दिया जाएगा, सब कुछ हम लोग खुद से करेंगे, सीखेंगे वीडियो एडिटिंग करना, फिल्म रिलेटेड जो भी सब है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये वाला सब्जेक्ट, हम लेके फाइनली बहुत ज़्यादा खुश हुए। पहले तो थोड़ा कन्फ्यूजन थे कि ले या नहीं क्या होगा, पर फाइनली लेने के बाद अभी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो इधर थोड़ा बैठे थे क्योंकि दूसरा क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा बहुत लेट था, क्योंकि आज 3 ठो ही सर मैम आएंगी और फिल्म स्टडी के बारे में हम लोगों को समझाएंगे। तो फिर चलिए, फिर ये वाले सर भी आ गए थे, तो फिर ये भी आके हम लोग को बहुत अच्छे से समझा दिए, और पहले ही आके बोल रहे थे प्रोजेक्टर में कुछ दिखाना है। तो फाइनली किसी कारण से प्रोजेक्टर तो उस दिन नहीं चला था, पर हम लोग सोच रहे थे कि देखेंगे, पर नहीं हुआ। पर बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्लास था, और ये जो सर थे ये हमारे HOD है, बहुत अच्छे सर है। मुझे मतलब नहीं पता था कि मतलब ऐसा होता ना, बहुत लोग ओल्ड मतलब थोड़ा ओल्ड एज हो जाते हैं, तो थोड़ा उनका सोच भी पुराने ज़माने जैसा रहता है, पर ये जो सर थे बहुत ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक मतलब सब कुछ से हम लोग को फिल्म स्टडी के बारे में समझा रहे थे। मतलब बहुत सारा ज्ञान मिला जो जिंदगी में बहुत ज़्यादा काम पे लगेगा हम लोगों का। बहुत फनी भी था, इंटरेस्टिंग भी था, और पहले ना आके वो हम लोगों को डरा दिए थे कि सब लोग खड़े हो गए थे, 2 लड़की खड़े नहीं होते, तो सर बोले कि तुम लोग आओ बाहर जाओ रूम के, तो हम लोग डर गए, सोचे कि बहुत ज़्यादा टफ टीचर होंगे, डिसिप्लिन बहुत मानते होंगे, पर नहीं, देखिए कितना हंस हंस के बात कर रहे थे, बहुत समझा रहे थे, और मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मैं क्लास करके। मुझे लग रहा था ओ माय गॉड, सीरियसली ऐसे भी सर होते हैं क्या। तो ओवरऑल हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इनका क्लास अटेंड करना, सब लोग खुश हुए, और इतना तो पता चल गया था इनके क्लास में कभी भी बोर नहीं होंगे हम लोग। আর যাদের মিডিয়া আছে তাদের কি জার্নালিজম এন্ড মাস কমিউনিকেশন, হ্যাঁ আচ্ছা কে কে বেঙ্গলি ভাগ করো, এটা কম হবে তোমরা ইংলিশ আর কি বাংলা বাংলা সিনেমা কখনো বলে না, মানে বলি যে আমি জনের চিত্র লিখে দিয়ে একটা লেগে রয়েছে, আমি বন্ধু চরিত্র হ্যাঁ।
একদম একদম বই দেখতে যাচ্ছি বাঙালিরা পৃথিবীর একমাত্র জাতি যারা সিনেমাকে বই বলে ধর তো কোনো হিন্দি ভাষী বন্ধু আছে চল এক কিতাব দেখে না গো এন্ড ওয়াচ ইট ইভেন লেট গো এন্ড ওয়াচ নোদল কি বলে বই বাঙালিরা কেন কি দেখে সিনেমা বলতে শিখি না বাঙালিরা বললো तो दोस्तों इसको लंबा नहीं खींचते, जैसे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इनके क्लास में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे न्यू सब्जेक्ट से। जो सब डर था ना कि न्यू सब्जेक्ट है क्या होगा क्या नहीं होगा, सब लोग एक ही एक क्वेश्चन का आंसर दिए थे कि क्यों तुम लोग, जब सर पूछे कि क्यों तुम लोग लिए हो ये सब्जेक्ट, तो सब लोग बोले कि इंटरेस्टेड है, फिल्म पसंद है, यही सब। पर वो जो डेफिनेशन बताया ना, तो फिर सब लोगों का जो ध्यान यानी सब चेंज हो गया। फिर उधर से निकल के हम आ गए थे आशुतोष कॉलेज, जहाँ मेनली मेरा लेने का मन था, मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट कॉलेज, हम बचपन से सपना देखते थे इस कॉलेज का। तो उधर ही और इधर आके अब नेहा का वेट कर रहे थे, क्योंकि इसके पीछे कॉलेज है श्यामा प्रसाद, इसका ही मतलब और एक है। तो उधर नेहा का हम वेट कर रहे थे, फाइनली 35 मिनट वेट करने के बाद नेहा आ गई थी। और इधर एक दुर्गा माँ का मंदिर है तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो फिर फाइनली इधर कॉलेज में कुछ दिक्कत हो गया था, इसलिए नेहा किसी और से फ़ोन में बात कर रही थी, वो सब डिस्कस कर रही थी। और हमें तो बैठे बैठे उसका थोड़ा बहुत क्लिप ले लिए कि देखो इतना दिन बाद मिले फिर भी उसको वीडियो ही लेना है। बहुत लोगों के पूछने के बाद भी कुछ सोल्यूशन नहीं मिला, इसलिए हम फाइनली आ गए थे उसके कॉलेज देखने के लिए क्या बात है और हमसे सॉल्व होता है कि नहीं। तो आके थे पूरा, देखिए कितना भीड़ है, क्योंकि सेमेस्टर का एग्ज़ाम चलेगा इसलिए सब लोग एडमिट कार्ड लेने के लिए खड़े हो गए हैं, और हम चुपके से वीडियो भी ले रहे थे। और इतने सारे मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स देख के हम भी थोड़ा बहुत हैरान हो गए थे। फिर नेहा जाके उधर पूछ ली, देख पा रहे उसके कॉलेज का नाम है श्यामा प्रसाद कॉलेज। तो फिर फाइनली काम तो नहीं बना, इसीलिए हम, मेरा जानना पहचाना वाला एक भैया थे उनके पास उसको लेके चलाए। फिर काम वूम ख़त्म हो जाने के बाद फिर हम लोग इधर आ गए थे मियाँ को ट्रीट देने के लिए, और वेट कर रहे थे हमारा जो शेक है ऑर्डर किए थे दोनों वो आने का। तो दोस्तों फाइनली जस्ट अभी घर आए और आके बस मुंह बस धोए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था मुझे, क्योंकि हम घर से भी निकले थे 1 बजे और अभी जस्ट 7:30 बज रहा है हम घर लौटे। तभी बच्चों को मुझे पढ़ाना भी है, बहुत ज़्यादा काम है, सुबह भी हुआ था, अभी एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए 2 टाइम करके मुझे पढ़ाना होगा। तो आज मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता, मतलब ऐसा ही टाइम होता अगर हम घर आते तो निया के साथ सिर्फ 1 घंटा ही स्पेंड करते, पर मैम फ़ोन करके बोली कि आज वो क्लास नहीं कराएगी। तो आज पहला दिन ही क्लास था तो मैम बोली किसी कारण से नहीं होगा, तो फिर चलिए इसलिए निया के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना मतलब कर पाए। और सबसे बड़ी बात जो था टाइम स्पेंड करने का, थोड़ा बहुत टाइम कम इसीलिए हो गया था क्योंकि उसके कुछ प्रॉब्लम आ गया था कॉलेज में, तो इसलिए भी गए। थोड़ा यूनियन में एक भैया थे जो हम जानते हैं उनको, तो थोड़ा हेल्प वेल्प कर दिए, उसको नंबर भी दे दिए, अगर मतलब फ्यूचर में भी कोई दिक्कत होता है तो फिर हेल्प ले सकती है उस भैया से। और फिर फाइनली आए, बहुत दिन बाद दोनों बात किए, बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। ज़्यादा तो हम वीडियो वगैरह नहीं लिए, पर जितना टाइम स्पेंड किए मतलब बहुत सही था, ऐसा लग रहा था एक परफेक्ट डेट हुआ ऐसा लग रहा था मुझे। तो बहुत दिन बाद दोनों ऐसा टाइम स्पेंड किए, मतलब बहुत सुख दुख का बात, थोड़ा इमोशन भी हो गया था, इमोशनल दोनों ऐसा भी मतलब सिचुएशन आ गया था। फिर थोड़ा बहुत उसको पूछे क्या खाएगी तो कुछ बोली नहीं, तो फाइनली हम अपनी चॉइस से कुछ उसको खिला दिए। तो फिर फाइनली अभी हम आ गए हैं घर, उसको भी फिर वो बोली बच्चों की तरह जिद करने लगी कि मुझे इतना तक तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। फिर हम गए उसको छोड़ने के लिए, फिर जाके फिर हम इधर आए। तो भी फाइनली सारा दिन ऐसा ही गया। और गाइस कॉलेज में आज हमारे पहली दिन मेरा मतलब मुलाकात हुआ हमारे फिल्म स्टडीज़ का, आज मेनली क्लास था तो HOD जो हमारे हेड अदर डिपार्टमेंट में, तो उनसे आज मुलाकात हुआ, मिस्टर मुखोपाध्याय। तो बहुत अच्छे सर हैं, तो इतने अच्छे से समझाए कॉन्सेप्ट कि वाई यू आर स्टडिंग फिल्म स्टडीज़, तो आई जस्ट लिटरली लव इट। और इतना अच्छे से समझाया, इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए, पहले दिन इतना अच्छा इंप्रेशन बनाया ना वो, अभी मतलब बहुत सब मैम सर बहुत अच्छे हैं, पर इनका एक
1% वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, ज़्यादा तो मुझे नहीं, लिटरली सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये सबसे अच्छी वाली बात है। तो चलिए, और बाबा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टायर्ड है कॉलेज में पढ़ के, फिर उधर से ट्रैवल करके नेहा से मिलने के, जहाँ उधर 45 मिनट्स ज़्यादा उसके लिए खड़े रहना पड़ा क्योंकि वो सो रही थी जब हम फ़ोन किए थे। तो फिर फाइनली यही सब हुआ, और फिर मुझे ओके फिर तो हम उधर खड़े रहे, फिर उसका जो वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम हो गया तो उसका कॉलेज अभी मेनली नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो यही सब हुआ। और फिर फाइनली हम लोग बैठे, बात बूत किए, थोड़ा सोचे चाय वाय पियेंगे, पर चलो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठंडा वंडा कुछ पी लिए, तो यही सब हुआ फाइनली। तो बहुत ज़्यादा खुश है फाइनली, मतलब इतना दिन बाद मिले ना, मतलब सुकून मिला, जैसे कि स्कूल में हर दिन मिलते थे तब जो मतलब ऐसा फीलिंग था, इतना दिन बाद जब मिले तो फीलिंग जैसे कि दुगना तिगना हो गया, ऐसा है। बहुत मिस करते हैं उसको, बेस्ट फ्रेंड जो है वो मेरी। तो फिर चलिए यही सब था, घर में आ गए हैं, कपड़ा वपड़ा चेंज करते, बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर रात को मैम हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस ले, तो वो भी अटेंड करना है, बहुत ज़्यादा काम है। तो फिर चलिए, ऐसा ही मेरा वीक ख़त्म हो रहा है, ख़त्म तो नहीं क्योंकि मुझे एग्ज़ाम है उनका, सैटरडे हो संडे हो कोई मतलब बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम स्टार्ट है उनका, तो मुझे सबको पढ़ाना ही है, और फिर मेरा भी पढ़ाई मुझे करना है क्योंकि मंडे को मुझे सबमिट करना है सब कुछ। तो चलिए यही सब है, तो चलो अभी के लिए बाय बाय। आई होप आप लोग, व्लॉग तो कुछ वैसा नहीं था, हम ही जो बकबक किया और नेहा से टाइम स्पेंड किया, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्लिप, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा है, लेकिन उसके जो रहते हैं ना, जो फ़ोन चलाने का बिल्कुल नहीं मन करता है, हम फोन को साइड कर देते हैं, है ना, क्योंकि मतलब बेस्ट फ्रेंड के इमोशन समझ रहे हो, बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए बहुत मतलब बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है। बहुत लोग पूछते हैं कि वाई यू आर बेस्ट फ्रेंड, बस ऐसे बोलने के लिए, वीडियो फोटो के लिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग वैसा कुछ नहीं करते, मतलब जैसे कि हम लोगों का ज़्यादा वीडियो फोटोज़ नहीं है। बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना, दिल से होता है, ठीक है। हम लोग 10 साल होने वाला है हम लोगों के फ्रेंडशिप का, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो फिर चले, कोई नहीं, आप लोग का भी ऐसा कोई दोस्त हो तो ज़रूर उसको खोना मत, क्योंकि हम लोग दोनों दोनों से प्रॉमिस किए हैं, जितना भी दूर रहे जो भी है वो हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी और हम भी उसके रहेंगे। तो फिर चले गए, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो आप लोग बहुत अच्छे से रहना, खुश रहना, और चलो मेरा व्लॉग भी पूरा पूरा वॉच करना। तो बाय बाय। तो गाइस फाइनली बच्चों को पढ़ाने के बाद, मैम का भी क्लास अटेंड करने के बाद, रात को यही सब खाना खा लेते। चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।